मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। आप जानते हैं इस अंग्रेजों के बनाए गए व्यवस्था तंत्र में भारत के कई ईमानदार लोग गए और सिस्टम ने उनको बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो लूट पसंद नहीं थे। सिस्टम ने फेंक दिया उनको बाहर, नहीं चलने दिया। दो नाम तो आपके सामने है, एक थे श्री लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे थे श्री मुरारजी देसाई। दोनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो धोती फटी हुई थी उनकी, जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की थी। और पता चला कि उनके पास दो ही धोतियां थी और दो ही कुर्ते थे जब वो प्रधानमंत्री बने। तो किसी ने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री हो गए, किसी ने क्या उनकी धर्मपत्नी ने कहा था, अब तो नई धोती ले लो। तो उनका ये कहना था कि करोड़ों भारत के किसान फटी हुई धोती जब तक पहनते रहते हैं, मुझे नई धोती पहनने का अधिकार नहीं है। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री जब घुसे सिस्टम में, तो सिस्टम ने उनको बर्दाश्त नहीं किया, निकाल के फेंक दिया, मार डाला, हत्या कर दी उनकी। अब तक सारी दुनिया को यह बताया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी हृदयघात से, और मैं बीसियों साल से ये चिल्ला रहा हूं। मेरी पुरानी कैसेट अगर आप पढ़ सुन लें तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो मरे नहीं थे, हत्या की गई थी उनकी, मर्डर था। क्योंकि रूस में ताशकंद में जब वो गए पाकिस्तान से समझौता करने के लिए, तो शाम तक वो स्वस्थ थे और रात को अचानक से मर गए। तो भारत में जब रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो ये कहा गया था कि उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक उनको हो नहीं सकता, क्योंकि बीपी उनका नॉर्मल था, शुगर उनको थी नहीं, ब्लड प्रेशर उनको था नहीं, हाइपरटेंशन था नहीं, हाइपोटेंशन था नहीं, शुगर थी नहीं, अटैक हो ही नहीं सकता। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल थे। जब वो गए थे तो उस समय उनके सारे चेकअप हुए थे, उसकी रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज है, वो सब मैंने देखी है। वहां तो ये हुआ था कि रात में जब उन्होंने बातचीत पूरी की पाकिस्तान के साथ, तो उनका एक रसोईया उनके साथ रहता था हमेशा, जिसको वो साथ लेके जाते थे। और उनका नियम था कि किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे, वो रसोईये के हाथ का ही खाते थे। उनके रसोईये का ताशकंद में अपहरण हुआ, कुछ लोग उसको पकड़ के ले गए, और उस रसोईये की जगह पर एक दूसरे व्यक्ति को रसोईया बना दिया गया। और शास्त्री जी अक्सर रात को दूध पीते थे, खाना नहीं खाते थे अक्सर। रात का खाना उन्होंने तब से छोड़ा हुआ था जब से अमेरिका के साथ उन्होंने एक समझौता रद्द किया था। अमेरिका से आप जानते हैं लाल रंग का गेहूं आता था पीएल 480 योजना के तहत, शास्त्री जी ने वो गेहूं लेना बंद कर दिया था, तो देश में गेहूं की कमी आ गई थी। तो देश के लोगों को शास्त्री जी ने अपील की थी कि गेहूं की कमी है और मैं अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं नहीं ले सकता, तो सारा देश मेरी मदद करे, सप्ताह में एक दिन लोग व्रत करें, उपवास करें। तो भारत के करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया था। ऐसे थे शास्त्री जी। और जब लोगों को व्रत करवाया तो खुद भी व्रत करते थे, तो शाम का खाना नहीं खाते थे, खाली दूध पी के सोते थे। तो रात को उनके दूध में जहर मिला दिया गया, और किसने मिलाया, नकली रसोईया जो उनका रखा गया, असली रसोईये का अपहरण करके, और उनके असली रसोईये की बाद में हत्या की गई थी। ये सारे सबूत भारत सरकार के पास है, लेकिन सरकार इनको लोगों को बताने से डरती है, क्योंकि उस हत्या में ऐसे कई बड़े लोगों का हाथ है कि जिनके चेहरे खुल जाए तो शक्ल दिखाना मुश्किल हो जाएगा। कारण एक ही था कि सिस्टम में शास्त्री जी फिट नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे। ये सिस्टम ईमानदार लोगों को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये लूट का सिस्टम है, इसमें ईमानदार आदमी रह ही नहीं सकता। और दूसरा उदाहरण मुरारजी देसाई का है, जिनकी सरकार 2.25 साल भी नहीं चल पाई और गिरा दी गई। तो लूट के सिस्टम में तो लुटेरा ही फिट बैठेगा। आप ये जान लो
कि इस लूट के सिस्टम में कोई 10 साल 15 साल 20 साल राज कर रहा है तो वो सिस्टम के साथ चल रहा है, इसलिए 15-20 साल राज कर रहा है। क्योंकि सिस्टम लूट रहा है तो वो भी लूट रहा है, बस अंतर इतना है कि उसमें बंदर बांट हो रही है। और सिस्टम के साथ जो अच्छे से बंदर बांट कर लेगा उसी की नौकरी, उसी की सिस्टम में डिमांड 15 साल 20 साल तक रहेगी। तो आप समझ लो, कोई 5 साल मुख्यमंत्री रह गया, कोई 10 साल, कोई 15 साल। कारण क्या? उसने भी लूटा, सिस्टम को भी दिया, इसलिए रह गया। ईमानदार को तो ये सिस्टम रहने ही नहीं देता। अब हमारे सामने गंभीर प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। वो ये है कि ये लूट की व्यवस्था जैसे चल रही है इसको ऐसे ही चलने दिया जाए, अंग्रेजों ने जो लूट का तंत्र बनाया इसको ऐसे ही बने रहने दिया जाए, और जैसे अब तक लूटा है आगे भी ये देश लूटता रहे। एक तो ये रास्ता है, और हमारे देश में बहुत लोग हैं जो इस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। वो ये कहते हैं तुमको क्या पड़ी है, चलने दो ना जैसे चल रहे। बहुत लोग तो मुझे भी सुझाव देते हैं, तुम भी यार आ जाओ ना इसी सिस्टम में। हाँ, मैं आपको बिना नाम के कहता हूं कि मुझे ऐसे बीसियों ऑफर आ चुके हैं कि हम तुमको एमपी बनाते हैं ना, यहां से टिकट ले लो, तुम भी आ जाओ ना इसमें, राज्यसभा से ले लो, लोकसभा से ले लो, तुम्हारी चॉइस की टिकट ले लो। मैं पूछता हूं फिर क्या? उसने कहा कहीं से भी जीत जाओगे, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। और वो ऑफर यही देते, आ जाओ तुम भी, लूटो इसको, हम लूट रहे तुम भी लूटो। और वो लोग पता है मुझे क्या समझाते? वो कहते तुम क्यों परेशान हो रहे हो, व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे। वो तो मुझे इतनी बड़ी फिलॉसफी समझाते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम व्यर्थ क्यों चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, लगो ना लूटने में तुम भी। हाँ, बहुत बड़ी फिलॉसफी समझाते, और श्री कृष्ण का नाम लेके समझाते। देखो हम नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवद गीता में कहा है, क्यों व्यर्थ परेशान होते हो, क्यों चिंता करते हो, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, लूट रहा है लूटने दो, आगे लूटेगा और भी लूट अच्छा होगा। तो ऐसी फिलॉसफी के मानने वाले बहुत पाखंडी लोग हैं इस देश में, कुछ सफेद कपड़ों में है, कुछ भगवे कपड़ों में। हाँ, बड़े बड़े लुटेरे हैं। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, ये कठोर बात है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं भगवे कपड़ों में, जो एक एक शहर से 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ लूट ले जाते हैं। कोई राम कथा कह के, कोई कृष्ण कथा कह के, कोई कथा कह के, कोई कथा कह के, और फिर उस पैसे को ब्याज पे चलाते हैं। ऐसे हरामी लोग मैंने देखे हैं मेरी आंखों से, ब्याज पे चलाते हैं उस पैसे, बाजार में उनका पैसा ब्याज पे घूमता है। आपसे वो पैसा इकट्ठा करते हैं, आरती उतारते हैं, आप उनके चरणों का पानी धोके पीते हैं, और उनकी आरती की थाली में आप डालते हैं वो करोड़ों रुपए लेके जाते हैं। राम की कथा कहते हैं, राम के वन गमन का वर्णन करते हैं, और उनके दुखों का वर्णन करते हैं, और ऐसे दुख का वर्णन, ढल 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 आंसू बहते हैं उनके आंख से। मैंने देखा है, राम के दुखों का वर्णन करते हैं, राम को कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ, नंगे पांव चले, ऐसे हुआ वैसे हुआ, और उस वर्णन में आप भी रोते हैं वो भी रोते हैं, लेकिन ये सारा खेल एयर कंडीशनर मंच पे चलता है। राम के दुखों का वर्णन करने के लिए एयर कंडीशनर मंच लगता है, एयर कंडीशन्ड कार लगती है, एयर कंडीशन्ड घर लगता है, एयर कंडीशन्ड चार्टेड फ्लाइट लगती है, तब राम के दुखों का वर्णन होता है। और एक एक शहर से 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ लूटते हैं। आप उन्हें पूज्य कहते हैं, मैं उनको छोटा रॉबर्ट क्लाइव कहता हूं।
तो नेता ही नहीं लूट रहे हैं, अधिकारी भी नहीं लूट रहे हैं, और भी ऐसे लोग हैं और लूट ही नहीं रहे। मेरे जैसे लोगों को कह रहे हैं क्यों व्यर्थ चिंता करते थे, क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, तुम तो ये कंठी माला ले लो, राम 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 राम, राधे 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 राधे, बस और कुछ नहीं, तुम्हारा कल्याण, देश का कल्याण, राधे 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 राम राम, बस हो गया। ऐसे लोग हमको निकम्मा बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं, प्रमादी बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, फैले हुए हैं पूरे देश में। तो एक तो ये है रास्ता कि तुम क्या चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी होगा और अच्छा होगा, तो तुम भी लग जाओ इसी लूट में। और एक दूसरा रास्ता है, वो दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है, कठोर है, वो भगत सिंह वाला रास्ता है, ऊधम सिंह वाला रास्ता है, चंद्रशेखर वाला रास्ता है, अशफाक उल्ला वाला रास्ता है, महात्मा गांधी का रास्ता है, लोकमान्य तिलक का रास्ता है। और वो कहा करते थे कि ये ठीक नहीं हो रहा है, अंग्रेज लूट रहे हैं, तो इस लूट को बंद कराना है और अंग्रेजों को भारत से मार के भगाना है, एक दूसरा रास्ता है। अब भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को मारकर भगाया, तो हमारे पास एक दूसरा विकल्प है कि हम इन काले अंग्रेजों को इस देश से मारकर भगाएं, तभी इस देश में इस लूट की व्यवस्था को बंद किया जा सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।